दोस्तों हमारा सफर शुरू हो चुका है और आज हम चलेंगे मैहर माता का दर्शन करने के लिए। बताते हैं कि माता जी के 52 शक्ति पीठों में से एक माँ शारदा का दरबार है, जहाँ पे माता जी का हार गिरा हुआ था, जिसकी वजह से हम मैहर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारा सफर है छिवकी जंक्शन से स्टार्ट होगा 8:15 के करीब इटारसी एक्सप्रेस से, और मैहर में हमें 2 बजे के करीब वो छोड़ देगी। उसके बाद ही हम आगे की बातें करेंगे, तो चलिए चलते हैं। माँ सरस्वती ने स्वर दिया, भाई गुरु ने दिया ज्ञान, ओ मात पिता ने जन्म दिए, भाई कर्म निछे भगवान आया है सजाएगा, हर आया है सजाएगा, भाई राजा रंग कपट। ओ भाई, इस समय हम आ चुके हैं मैहर स्टेशन पर, जहाँ से दोस्तों हमें टेम्पो पकड़ के पहुँचना है मेला क्षेत्र के लिए। अभी लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है और हम पहले चलते हैं मेला क्षेत्र में, उसके बाद चलेंगे माँ शारदा का दर्शन करने के लिए। जिस टेम्पो से हम लोग आए थे यहाँ पे, उसी के पर्चे की यहाँ पे दुकान थी, जहाँ पे हम पहुँच के हमने स्नान किया, थोड़ा आराम किया, उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश होने के बाद यहीं पे लॉकर में अपना सामान रख के बढ़ चले माँ शारदा के दरबार की तरफ। अभी तो हमें एक लंबी दूरी तय करनी थी, जहाँ पे 1070 सीढ़ियाँ चढ़नी थी, लेकिन एक बात यह है कि नवरात्र का पहला दिन होने से यहाँ पे भीड़ भी उतनी ही है, जो कि हम सीढ़ियों से अभी 500 मीटर पीछे की तरफ है। अभी भाई लोग, मैं लाइन में खड़ा था तो मैंने कई ऐसे बुजुर्गों के मुँह से सुना कि भगवान बिना कड़ी मेहनत के दर्शन नहीं देते हैं। ये मेरा कथन नहीं है, ये उनका कथन है। आप चाहें तो रोपे से भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। मैंने कई ऐसी स्त्रियों को देखा जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी और बच्चे आधे आधे घंटे तक रोए जा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बाद में भी किसी भी टाइम आके दर्शन कर सकती हैं। ऊपर पहुंचने के बाद जो ये मन मोह लेने वाला नज़ारा हमें देखने को मिला, उसके बाद हम लाइन में लगे उस 5 घंटों को तो भूल ही गए।
माँ शारदा का दर्शन करने के बाद हम नीचे की तरफ आए तो हमें जो है कि पहला प्रॉब्लम हुआ कि भाई भूख भी लगी थी क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। तो हम लोगों को मालूम हुआ कि मैहर स्टेशन के पास में ही प्रसाद के रूप में जो कि भंडारा चलता है माई की रसोई के नाम से, तो हम पहुँच गए भंडारा का भोज करने के लिए। तो